मोस्ट वेलकम इन माय चैनल वीके एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, जो आज का जो टॉपिक है वीडियो का, वो है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी है क्लास 11 स्टूडेंट के लिए। तो ये तीन क्वेश्चन हैं जो मैं आपको कराऊंगा। है, पहला है, राइट ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। कुछ सेट हमको दिए हुए हैं, इनके सबसेट निकालने हैं। तो देख लेते हैं। ये हमको दिया हुआ है, पहले एक सेट दिया है उसमें एक एलिमेंट है, दूसरा सेट दिया है उसमें दो एलिमेंट हैं, और तीसरा सेट दिया है उसमें तीन एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ सबसेट इज, यहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट इज क्या हो जाएगा, देखिए 2 की पावर n रखते हैं, तो यहाँ पर n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें एक नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, फर्स्ट वाले में एक है, तो जो हो जाएगा 2 की पावर 1 इजिकल टू 2। ठीक है, तो इतने आपके सबसेट होंगे, और वो सबसेट क्या क्या हो गए, एक तो हो जाएगा ये, हो जाएगा क्या फाई, दूसरा हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ये दो सबसेट हो गए। अब दूसरा नंबर है, नंबर ऑफ सबसेट्स देखिए, ये हो जाएंगे 2 की पावर 2। इसमें दो एलिमेंट है, 2 की पावर n होता है ना, तो इसमें एलिमेंट कितने, दो, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। इसमें 4 हो जाएंगे, तो क्या 4 क्या है, पहला तो फाई तो सबका ही होता है। ठीक है, उसके बाद फिर ए, फिर बी, ध्यान से देखिए, और फिर ए बी। पहले ए लेंगे, फिर बी लेंगे, फिर दोनों को ले लेंगे। ठीक है, और ये फाई जो है सबका ही है। अभी जिसे तीसरे नंबर में देख लेते हैं, यहां पर हो जाएंगे नंबर ऑफ सबसेट, टू की पावर एन, एन मतलब इलेमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने एलिमेंट है इसमें, 3, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 इजिकल टू 8। तो कितने सबसेट होंगे, 8 होंगे। तो सबसे पहले हो गया 5, कॉमा, फिर कॉमा लगा के लिखते हैं, फिर हो जाएगा आपका ए, ठीक है, फिर बी कॉमा, फिर सी कॉमा, फिर ए बी। ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे, ए सी, फिर बी सी, और फिर ए बी सी। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ एन, एन मतलब नेचुरल नंबर, एक्स इज ए फैक्टर ऑफ 12। ठीक है, एंड बी एक्स सच दैट एक्स इज ए एलिमेंट ऑफ एन, एन ए नेचुरल नंबर, एंड एक्स इज ए फैक्टर ऑफ 18। तो फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी आपको फाइंड आउट करना है। तो एक्स, यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन, ए इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर हु डिवाइड्स, विच डिवाइड्स 12 विच डिवाइड्स 12 फुली, मतलब उसको परफेक्टली उसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएंगे, ए इजिकल टू क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर एक तो एक ही हो गया, ठीक है, फिर 2 3, नेचुरल नंबर है, 4 5 नहीं हो सकता, 6 7 नहीं हो सकता, 8 8 भी नहीं हो सकता, 9 भी नहीं हो सकता, 10 भी नहीं, 11 भी नहीं, और फिर एक हो जाएगा 12। ठीक है, ये अच्छा, ये तो हो गया ए। अब दूसरा देखते हैं बी, क्या है बी में, क्या था, बी इज द सेट
ऑफ नेचुरल नंबर ठीक है विच आर फैक्टर ऑफ 18 किसके फैक्टर हैं 18 के। तो देखिए ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू हो जाएगा 18 के फैक्टर क्या हो जाएगा एक तो एक ही हो जाएगा दो हो जाएगा तीन हो जाएगा 3 6 18 चार से नहीं कटेगा पांच से नहीं कटेगा छः हो जाएगा सात से नहीं होगा आठ से नहीं होगा नौ से हो जाएगा और एक 18 हो जाएगा। तो ये भी हो गया बी ठीक है। तो ए ये हो गया बी ये हो गया तो आप निकाल सकते हैं अभी आप निकाल लेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब देख लीजिए इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों में कॉमन कौन सा है ठीक है एक दोनों में है एक हो गया। अब देख लीजिए दो दोनों में है दो हो गया तीन दोनों में है तीन हो गया। अब देखिए चार दोनों में नहीं है छह दोनों में है सिक्स हो गया देखिए और बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो एक दो तीन और छह ये आपके क्या हो गए लास्ट में नहीं लगाते हैं जब कोई एलिमेंट नहीं रहता। तो एक दो तीन और छह ये आपके ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है तीसरा राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखिए सबसे पहले ये एक्स इज दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ एन एंड एक्स इज लेस देन 8। देखिए तो ये हो जाएगा आपका ए इज इक्वल टू ये किस में फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है ये हमको रोस्टर फॉर्म में निकला ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर है और 8 से कम है तो नेचुरल नंबर 8 से कम होगा तो क्या होगा 1 2 3 4 5 और 6 और 7 ठीक है ये हो गया। अब देखिए बी देख लीजिए बी क्या है एक्स इज ए प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर है विच इज डिविजिबल ऑफ 30 तो प्राइम नंबर एक्स क्या प्राइम नंबर है और विच इज डिविजिबल ऑफ 30 ठीक है। तो प्राइम नंबर है तो दो है दो प्राइम नंबर है ठीक है तीन है चार नहीं है पांच पांच है ठीक है छः सात आठ नौ बाकी कुछ नहीं है ठीक है। तो ये हो गया दो तीन क्योंकि प्राइम नंबर भी होना चाहिए छः से भी कट जाएगा 6 5 30 लेकिन छः प्राइम नंबर नहीं है ठीक है ये हो गया। अब आता है सी ठीक है ये आ गया आपका ये वन था ये आपका टू हो और ये थर्ड पार्ट सी। सी में क्या है देखिए